ये हमारा सीलिंग फैन है, इसको हम जैसे आप देख पा रहे हैं ये एक फैन कंट्रोलर है, इसके द्वारा इसको हम चलाने वाले हैं। तो इसके कनेक्शन करके बताएंगे आपको कि इस सीलिंग फैन के अंदर इस कंट्रोलर को कैसे लगाना है, कैसे इंस्टॉल करना है, ये आज हम आपको बताने वाले हैं। तो वीडियो लास्ट तक देखना, तभी आपकी समझ में पूरा आएगा। वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करना। हमने अपना सीलिंग फैन उतार लिया है और इसके अंदर आप ये देख पा रहे हैं कैपेसिटर लगा हुआ है और ये कनेक्टर लगा हुआ है, सब इसके अंदर कनेक्शन किए हुए हैं। तो हम ये वायर सभी खोल लेते हैं, उसके बाद कंट्रोलर लगाकर दिखाएंगे। ये कंट्रोलर हमको यहाँ पर फिटिंग करना है। दोस्तों इसको खोल लेते हैं। इसके अंदर जो कंपनी का क्लेम्प लगा हुआ आता है, हम इसको खोल लेते हैं। इसमें खाली एक ही स्क्रू रहता है, इसको लगाना बहुत इजी है। जैसे आप देख पा रहे हैं ये मैंने खोल लिया और ये कैपेसिटर भी निकल गया। अब इसके अंदर वायर लगे हुए रहते हैं, ये कनेक्टर में जैसे आप देख पा रहे हैं 1, 2, 3 कनेक्टर हैं इसमें कनेक्शन। तो इनको भी बारी बारी से खोल लेते हैं। जैसे एक ये हो गया और दूसरा भी हो गया और ये तीसरा, तीनों खोल लेते हैं इसके अंदर से। तो इसमें हमें क्या चीज़ का ध्यान देना है, जो साइड के हमारे वायर थे दो, ये वाले जैसा आप देख पा रहे हैं, इसके अंदर 1, 2, 3 कनेक्टर हैं, बीच का खाली है। तो बीच में अपना ये येलो वाला लगा हुआ था, तो ये बीच वाले में ही लगाना है उसमें। और ये साइड के जो दो हैं, एक रेड और ये ब्लैक वाला, ये साइडों में ही लगानी है। जैसे आप देख पा रहे हैं ये है ना कंट्रोलर अपना, तो इसके अंदर ये येलो वाला बीच में लगाना है और ये दोनों साइड में लगाने हैं। कोई सा भी किधर भी लगा सकती, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। तो मैं ये पहले ब्लैक लगा देता हूँ, ये मैंने ब्लैक लगा दिया पहले में। दूसरा अपना जो कैपेसिटर का था, जो हमें खाली छोड़ना था, वो बीच वाले में लगा देता हूँ मैं। ये कैपेसिटर का लग गया बीच वाले में और अपना ये कि मेन बचा रेड वाला, इसमें लास्ट वाले टर्मिनल में इसमें ये लग जाएगा। इसमें इसको लगाना बहुत ही इजी है, खाली ये तीन ही वायर इसमें लगाने रहते हैं। अब जैसे अपना ये स्क्रू दिया हुआ है, तो इसमें ऐसे करेंगे हम, इसको इसी स्क्रू पे यहाँ से इसको टाइट कर देंगे। जो अपना इसका पहला वाला स्क्रू था, ये स्क्रू इसमें फिटिंग हो जाएगा। और ये अपना कैपेसिटर का जो क्लेम्प है वो यहाँ पर लगा देंगे इसको, कैपेसिटर को। ये बिल्कुल इसका इजी है, देखो ये फिटिंग हो गया है। अब हमें क्या करना है, खाली यहाँ पर इनपुट में, यहाँ पर इनपुट में इसके जो एसी के वायर आएंगे वो यहाँ पर देने हैं। जैसे आप ये देख पा रहे हैं, ये मैंने अपना सीलिंग फैन इसमें लगा दिया है ऊपर, और इसके जो एसी के कनेक्शन है ये भी कर दिए हैं मैंने इसमें। अब इसको चाहे तो ऊपर का जो ढक्कन है वो हम इतना ढक सकते हैं। तो अब इसको नीचे उतर के टेस्ट करके देखते हैं। तो दोस्तों ये अपना सीलिंग फैन कंप्लीट हो चुका है इंस्टॉलेशन। अब इसको रिमोट के द्वारा ऑन करते हैं। ये रिमोट से हमें बजर की आवाज़ सुनाई दी और ये अपना सीलिंग फैन चालू हो गया। ये देख पा रहे हैं ये बिल्कुल अच्छी तरह से काम कर रहा है। अब इसमें स्पीड की बात करें तो एक नंबर स्पीड है।
ये 2 नंबर स्पीड है इसकी, और तेज हो गया। ये 3 नंबर स्पीड है इसकी, और तेज हो गया। ये 4 नंबर स्पीड है इसकी, और तेज हो गया। और ये 5 नंबर स्पीड पे बिल्कुल फास्ट चल रहा है, जैसे अपना चलता है डायरेक्ट। ये बहुत अच्छे से काम कर रहा है, दिल खुश हो गया इसको देखकर। और इसकी रेंज भी अच्छी है, ये ऑफ भी हो गया, ऑन भी हो गया। तो दोस्तों, अगर जो वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, और अगर जो आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे चैनल पर टेक्निकल की वीडियो डलती रहती हैं, और एक और चैनल हमारा चालू हुआ है नया, इल्सा टेक के नाम से। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, उस चैनल पर जाएं और उसको भी सब्सक्राइब करें। आने वाले फ्यूचर में उस पर बहुत सारी वीडियो टेक्निकल की आपको देखने को मिलेंगी। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।